गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो नाउ द टॉपिक वी हैव टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटी क्लासेस का, भिन्नों के प्रकार। तो बेसिकली वी हैव कितने टाइप के फ्रैक्शंस होती हैं? वैसे तो मुख्यतः तीन ही प्रकार की होती है फ्रैक्शंस जो होती है, केवल मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। वैसे लाइक फ्रैक्शंस, ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये अलग है। लेकिन जो बेसिकली तीन जो होती हैं, एक फ्रैक्शंस के वीडियो पहले भी मैं दो तीन कर चुका हूँ, वो देखिए। इसमें हमने डिफाइन कराया है फ्रैक्शंस को कि एलिमेंट्री क्लासेस में हाउ कैन वी डिफाइन दी फ्रैक्शन, यानी भिन्न को हम छोटी क्लासों में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसका शुरुआत कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो उसके आगे के वीडियो ये है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों के प्रकार। क्या हो जाएगा? भिन्नों के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो भिन्नों के प्रकार, तो आप इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले आता है द फर्स्ट वन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में उचित भिन्न। प्रॉपर माने उचित भिन्न, और ऐसा भी बोलते हैं सम भिन्न। क्या बोलते हैं? सम भिन्न भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में इसका एक नाम और भी है, इवन फ्रैक्शन। इवन फ्रैक्शन, ओके गाइस। तो ये क्या होता है? नाम से पता लग रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो वो भिन्न उचित भिन्न होगी जिसमें कि क्या होगा? अब आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, दिस इज न्यूमरेटर और दिस इज डिनोमिनेटर। ये क्या होता है? ऊपर वाला होता है अंश, ये मैंने बताया था, इसको अंश क्यों कहते हैं, और लाइन के नीचे वाला होता है हर। अगर आपका न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी आपका अंश जो है छोटा है आपके हर से, तो भिन्न जो हो जाएगी उचित भिन्न हो जाएगी या प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लो 1/2, 1/3, 1/4। तो आप देख रहे हैं जैसे 1/4 है, तो यानी टोटल कुल भाग कितने आपके पास? 4, और आपने कितना लिया? 1। तो 4 में से 1 लिया जा सकता है ना, दिस इज 1/4। तो ये उचित है, यानी जो वास्तव में भिन्न की डेफिनेशन है उस बात को ये पूरा करता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसा फ्रैक्शन होना चाहिए ये वैसे ही है, जैसे 1/3, 1/2। यानी 1/2 का मतलब क्या है? 2 में से आपने 1 पार्ट ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट यू हैव 2, कुल भाग कितने आपके पास? 2, और जो आपने लिए वो 1, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यू हैव 2 and the taken by you is 1, the total parts you have 3, और जो आपने लिया that is 1, the parts you have taken is 1। तो ये हो गया आपके proper fraction। उसके बाद आता है दूसरा, एक तो हो गया proper, एक हो गया improper fraction। second होता है आपके पास improper fraction, ठीक है guys। तो जैसा उचित, इसका नाम आ जाएगा कितना? अनुचित भिन्न। क्या आ जाएगा? अनुचित भिन्न, या इसको बोलते हैं आप वैसे ये बोलते हैं इसको क्या? विषम भिन्न। क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। ये ऊपर सम था और विषम, और इसको एक नाम इसका और भी है, ऑड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? ऑड फ्रैक्शन। ये तो था इवन फ्रैक्शन, और ये हो गया ऑड फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो अब इसको आप कैसे समझेंगे इवन फ्रैक्शन ऑड फ्रैक्शन को? तो इसको आप ऐसे समझेंगे अनुचित भिन्न को। अब आप देखिए, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं 3/2, ओके, आपको कहा मैंने 5/2, तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे। जो आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी फ्रैक्शंस के ऊपर, तो उसमें मैंने कहा था कि हाउ कैन वी डिफाइन द फ्रैक्शंस कंपेयर टू अ होल द पार्ट यू आर गोइंग टू टेक, यानी पूरे के रिस्पेक्ट में जो भाग आप लेते हैं तो वही तो भिन्न होता है। जैसा पूरा है एक केक के, आपने 4 टुकड़े करे, एक भाग आपने ले लिया, तो चौथाई भाग आप ले रहे हो। तो मतलब उसके लिए नीचे क्या था? ये कुल भाग है और ऊपर लिया हुआ भाग है। तो भाई कुल भाग आपके पास 2 है, कुल भाग कितने आपके पास? 2। द टोटल पार्ट्स कितने आपके पास? द टोटल पार्ट्स यानी कुल भाग है, टोटल पार्ट्स यानी कुल भाग, टोटल पार्ट्स यानी कुल भाग कितने हो गए? 2। और जो पार्ट्स आपने लिया, जो आपने लिया, द पार्ट्स टेकन बाय यू, इस तरीके ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 भाग हो रहे हैं, आप उसमें से 3 ले लो, फिजिबल है। आपके पास 2 भाग है, आपने 5 ले लिए, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि जहां अब देखिए, ऊपर वाला क्या है? न्यूमिरेटर, और नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर। अब उल्टा हो गया, अगर न्यूमिरेटर
बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, यानी अंश बड़ा हो जाए हर से, अंश बड़ा हो जाए हर से। देख रहे हो यहाँ तो अंश छोटा था हर से, यानी न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और यहाँ इसका उल्टा हो गया, यानी ये जो छोटा था अब बड़ा हो गया, और जो बड़ा था वो छोटा हो गया, यानी अंश बड़ा हो गया हर से, यानी न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको कैसे लिखे मैं समझा देता हूँ, इसको ज्यादा कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है आपको, कि 3/2 कैसे करेंगे इसको। 3/2 तो बेसिकली जैसे 3/2 है तो इसका मतलब है कि ए 1/2 × 3, मतलब आधे आधे तीन टुकड़े, आधे आधे तीन टुकड़े। ओके गाइस, तो मान लीजिए जैसे ये है आपके पास, दिस इज 1, 2 और 3, तो इसके आधे आधे तीन टुकड़े ले लो आप, 1, 2 और 3 टुकड़े आपने ले लिए, ठीक है। ये नीचे का सेक्शन मिटा दो, पूरे में से आपने आधे आधे कितने टुकड़े ले लिए? 3 टुकड़े ले लिए। ये तो इसका मतलब ½ × 3, मतलब आधे आधे तीन टुकड़े, ये है इसका मतलब, आधे आधे तीन टुकड़े। ओके, अब ये दो आधे मिलाकर तो एक मिल जाएगा, इसको और इसको बना दें अगर आप, ये ऐसा बन जाएगा आपके पास, कंप्लीट हो जाएगा। और ये आधा आपके पास ऐसे ही रहने वाला है, ये आधा आपके पास ऐसे ही रहने वाला है। इसका क्या मतलब हो गया? दिस इज 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा? 1 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 2, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? इसको इसके साथ गुणा करते हैं और ये ऐड कर देते हैं, 2 1 2 और 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो दैट इज 3/2, 2 1 2 + 1 3/2। तो ये है, ये बेसिकली इसका लॉजिक यही रहता है कि इसमें क्या होता है, एक तो कंप्लीट पार्ट होता है और एक इसमें आधा पार्ट है इसमें, मतलब यानी एक तो पूर्ण संख्या होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। वैसे ये जो तीसरा वाला भिन्न है आपका, कौन सा? जो तीसरा है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो थर्ड है और वेरी इंपॉर्टेंट है वो यही वाला है, विच इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिया करें, और जो पुराने वीडियो है फ्रैक्शन पे जरूर देखें, तब आपको ज्यादा अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। थर्ड है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके गाइस, यार इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। तो मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न, यानी ऐसे भिन्न जो कि एक पूर्ण प्लस एक भिन्न, ठीक है, पूर्ण और भिन्न, यानी पूर्ण का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट, कंप्लीट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, कंप्लीट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट मिलकर जो फ्रैक्शन आपका बनता है उसको आप क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था, जैसे 1 1/2, सो 1 1/2 यानी 1 + 1/2, तो 1 1 क्या है? पूर्ण भाग है, और ये जो 1/2 ये कैसा भाग है? ये भिन्न वाला भाग है। ओके, ये क्या है? होल है, कंप्लीट है, होल, होल नंबर भी बोल सकते हैं होल, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट। ये कैसा पार्ट है आपके पास? फ्रैक्शनल पार्ट। तो समझ में आ रहा है, यानी पूर्ण और भिन्न से मिलकर, यानी इन दोनों के कंपोजिशन से जो भिन्न बनती है उसको मिश्रित भिन्न हम बोलते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसमें अभी मैंने इसको ड्रॉ करना आपको सिखा दिया कि मिश्रित भिन्न को ड्रॉ कैसे करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है कई बार कि जैसे 5/2 कैसी भिन्न है? ये ऑड फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है? ऑड फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है? ऑड या इम्प्रॉपर, ऑड या इम्प्रॉपर, ऑड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको हिंदी में बोलेंगे तो विषम भिन्न। क्या बोलेंगे? विषम भिन्न। को को किसमें लिखो? मिश्रित भिन्न में लिखो। किसमें लिखो? मिश्रित भिन्न में लिखना है, मिश्रित भिन्न में लिखो। कि छोटी क्लासेस में क्वेश्चन आता है कि नाउ कन्वर्ट दिस 5/2 ऑड फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट करना है? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है गाइस। तो अभी मैंने सिखाया आपको 5/2, तो देखिए कैसे करना है। 2 से 5 को आप डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो इसको कैसे लिखते हैं? यहां पर लिखते हैं आप आंसर, ओके, यहां पर लिखते हैं रिमाइंडर, और यहां पर लिखते हैं जिससे आपने डिवाइड किया है, तो ये आ जाएगा आंसर। आंसर कितना हो गया आपके पास? 2
और रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 1, और जिससे आपने डिवाइड किया, क्लियर है, तो ये कितना आपके पास, दैट इज 2। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये आपका ऑड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने में, किसमें, अगर आपको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है, जिससे आपने क्या करा, उत्तर यहां आपका आ गया शेषफल, और यहां पर आपका आ गया जिसको क्या बोलते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भाग देते हैं यानी भाजक, ठीक है गाइस, या क्लियर है। तो ये हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2, दिस इज 2, ये आंसर, ये आंसर, ये रिमाइंडर, और ये आपका क्या कितना हो गया, ये आपका जो ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज यहां पर आ जाएगा, क्लियर है। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है, तो 5/2 का मतलब मैंने बताया, दैट इज 1/2 कितनी बार है, 5 बार है, ओके, सो 1/2 5 बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आधे टुकड़े कर लो, आधे आधे टुकड़े कर लो, 5 आपने कर लिए, और ये जो आधे आधे रखो बस, बाकी मिटा दो, आधे आधे 5 टुकड़े आपने कर दिए। अब क्या करना है आपको, ना मर्ज कर दीजिए, इन दोनों को मर्ज करने से एक पूरा मिल जाएगा, इन दोनों को मिलाने से एक पूरा मिल जाएगा, और ये आपका आधा ही रहेगा, तो ये प्लस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 + आधा, तो ये आ जाएगा 2 + 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/2, क्लियर है गाइस। तो ये है विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में, ये चित्रण वाला, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये इसका प्रोसीजर है लिखने का, क्लियर हो गया। तो ये है, अब इसके बाद जो है आपके पास और आपका है अदर, दूसरी वीडियो में हम लेके आएंगे, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।